एम्बुलेंस चालक की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश शुरू। मुंबई से सटे न्यू मुंबई में एक ऐसी घटना जिसे सुन। नवी मुंबई 30 वर्षीय युवराज अमरेंद्र सिंह डीवाई पाटिल अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम करते थे, लेकिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि इस ड्राइवर की चार अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। अस्पताल गेट के पास डीवाई पाटिल की छाती और पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर नेरुल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अन्य दो आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। नवी मुंबई के डीसीपी जोन वन विवेक पानसरे ने बताया कि चारों आरोपियों का पड़ोस में नारियल बेचने वाली एक महिला से झगड़ा हुआ था और नारियल चुराने के आरोप में आरोपियों ने चारों आरोपियों की धारदार चाकू से हत्या कर दी। वास्तव में क्या हुआ? एम्बुलेंस नंबर डॉक्टर से AMH 46 AH 6000D वाई जब पाटिल अस्पताल आ रहे थे, चार अज्ञात व्यक्ति अज्ञात कारणों से उन्होंने लोगों के साथ मिलकर एम्बुलेंस को रोका और मृत इस्मा के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया और फिर वहां रखे कांच के बक्से को मृत इस्मा के सिर पर मार दिया। मृतक इस्मा का शव खून से लथपथ मिला, उसके शरीर पर कटे हुए घाव थे और उसकी गर्दन में चाकू लगा था और चाकू का हैंडल नीचे पड़ा हुआ था। मृतक इस्मा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और नेरुल पुलिस अन्य दो आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस महानगर के लिए न्यू मुंबई से जितेश चौधरी की खास रिपोर्ट। नेहरू पुलिस स्टेशन में कल डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के सामने एक मर्डर का हादसा हुआ है। इसमें से जो मयत है युवराज सिंह, वो एम्बुलेंस ड्राइवर था। उसने कुछ दिन पहले वहाँ पे जो आरोपी है एक हाथगाड़ी लगाते थे और उनको उनके साथ उनके बाजू में जो नारियल बेचती थी वो औरत से उनके झगड़े थे। एक दिन उन्होंने वो नारियल वहाँ से चुराई, उसकी शूटिंग ये एम्बुलेंस ड्राइवर ने की थी। इसका गुस्सा आके ये चार आरोपियों ने उसको कल एम्बुलेंस से नीचे खींचकर चाकू से मारा है, उसमें उसका देहांत हो गया है। अभी तक हम लोगों ने दो आरोपी अरेस्ट किए हैं और बाकी के आरोपी हम लोग जल्दी अरेस्ट करेंगे। आईपीसी कौन कौन सी धाराएं लगाएगी? आईपीसी 302 के तहत हम लोगों ने मामला दर्ज किया है, तपास में और भी उसमें धाराएं लग सकती है।